हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न गृहिणी। मेरा नाम है काव्या। आप सभी को होली की बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो लाइकर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आ रही है और होली पे आप लोगों ने गुजिया और दही बड़े वगैरह, कचौड़ी वगैरह बहुत खाई होंगी और सबके घर में बनता ही है, होली पे ही ये सब कुछ बनता है, ठीक है। और वो सब आप नॉर्मली खाते भी होंगे, ठीक है। लेकिन आज होली पे मैं आपको एक नई रेसिपी, एक नई डिश के बारे में बताने जा रही हूँ, बनाना सिखाने जा रही हूँ, जो जिसे खा के आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। वो है फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई आजकल सबको ही बहुत पसंद होते हैं। बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जवान हो गए, हर किसी को, इनफैक्ट मुझे भी फ्रेंच फ्राई बहुत पसंद है। और हम लोग क्या है कि मार्केट में जाके खाते हैं, मार्केट में हमें 10-15-20 रुपए में इतने से मिलते हैं और उसे खा के हमारा मन भी नहीं भरता। हमें लगता है कि और हमें खाने चाहिए। और बाहर जो मिलते हैं वो हाइजीनिक भी नहीं होते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं वो कैसा तेल यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे हाथ होते हैं उनके, ठीक है। तो मैं घर में आज आपको ईजी वे में, सिंपल तरीके से फ्रेंच फ्राई बनाना सिखाऊंगी। आपको ये लगता होगा या आपने सब लोगों से ये बहुत सुना होगा कि फ्रेंच फ्राई बनाना बहुत मुश्किल होता है और आलू जो उसके फ्रेंच फ्राई के, फिंगर फ्राई के आलू जो काटे जाते हैं वो किसी मशीन से काटे जाते हैं, वो हाथ से नहीं काटे जाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें घर में नहीं काट सकते हो। मैं आज आपको बिना मशीन की हेल्प से हाथ से अपने शेप में आलू, फिंगर फ्राई के आलू काटना सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलते हैं, वो कैसे बनते हैं, आप उन्हें क्रिस्पी कैसे बना सकते हो, सब कुछ मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिंगर फ्राइज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक आलू लेंगे। आलू को मैंने पहले ही छील कर रख लिया था। हम इसे इस तरह से सीधा रखेंगे और इस तरह से इसका एक पीस काट लेंगे। इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से कट गया है। इसके बाद हम आलू को खड़ा करके इस तरह से काटेंगे ताकि इसका बेस बन जाए। ये देखिए, ऐसे ही हम इसके 3-4 पीसेस कर लेंगे। आलू को आपको ज़्यादा जल्दी नहीं काटना है, आराम आराम से काटना है। अगर आप ज़्यादा जल्दी काटेंगे तो आलू की शेप ख़राब हो सकती है और फिंगर फ्राइज़ की जो शेप है वो सही नहीं आएगी। ये देखिए, अब हम इस तरह से इसे काट लेंगे, इसके पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, आपको आलू को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बिल्कुल पतला भी नहीं रखना है, क्योंकि बिल्कुल पतला रखने से आलू वेस्ट हो जाता है। देखिए, इस तरह से इसके 4-5 पीसेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए, अब हम इसको भी इसी तरह से इसके 3-4 पीसेस कर लेंगे। इस तरह से देखिए, इसी तरह हम दूसरे पीस को भी ऐसे ही काट लेंगे। ये देखिए, हमारा आलू कट गया है। अब इसको हम काट लेंगे। ध्यान रखिए कि आपको जो आप चाकू जिससे काटो आप, वो थोड़ा लंबा हो और उसकी जो धार हो काटने वाली वो थोड़ी तेज हो, तभी आपका आलू बनावट में अच्छे से शेप में कट पाएगा। नहीं तो आपका आलू शेप में नहीं कट पाएगा और उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। देखिए, हमारा आलू कट गया है। तो देखा आपने कितनी इजी वे में आपका आलू कट गया है, बिल्कुल मार्केट वाले फ्रेंच फ्राई की तरह शेप आई है। इसी तरह से हम सारे आलूओं को काट लेंगे। इसके बाद हम आलूओं को पानी में भिगो देंगे। ये देखिए, इस तरह से आलू कट गए हैं। इसके बाद हम आलूओं को पानी में भिगो देंगे, जिससे कि आलूओं का जो स्टार्च है वो सारा निकल जाए। मैंने 10-15 मिनट आलूओं को भिगो कर फ्रिज में रख दिया था ताकि आलू थोड़ा कड़क हो जाए और उसे फ्राई करने में इजी रहे। ये देखिए, आलू कड़क हो गया है। ये देखिए, अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे।
उससे पहले हम आलूओं को हाफ ड्राई कर लेंगे, क्योंकि अगर आलू ज़्यादा गीला रहेगा तो वो अच्छे से पक नहीं पाएगा और हम उसमें जो भी इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे वो उसमें एक ही जगह चिपक जाएगा। इसीलिए हमें आलूओं को हाफ़ ड्राई करना है, पूरा ड्राई नहीं करना है, पूरा नहीं सुखाना है, हाफ़ ड्राई रखना है। ये देखिए इस तरह से, और आपको आलू की कम कम क्वांटिटी लेकर उसको हाफ़ ड्राई करना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो वो हाफ़ ड्राई नहीं हो पाएगा, ज़्यादा गीला रह जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने आलूओं को आधा सुखा लिया है। इसके लिए मैंने एक मोटा तौलिया लिया था। मोटा तौलिया क्या होता है कि वो अच्छे से पानी को सोख लेता है, पूरा भी नहीं सूखने देता है और पूरा गीला भी नहीं रहने देता है। देखिए हमारा आलू हाफ ड्राई हो गया है। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें मैंने इसमें 2 चम्मच अरारोट डाला है। आप अपने आलू की क्वांटिटी के हिसाब से अरारोट डाल सकते हो। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अरारोट लेना है, मैदा नहीं लेना है। यहाँ पे आपको मैदा बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सिर्फ अरारोट यूज़ करना है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चुटकी भर लाल रंग। ये लाल रंग आपको अरारोट में मिक्स कर लेना है अच्छे से। पहले आपको इन दोनों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये जो कलर है ये आपको किराने की शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाता है। मेरे पास इसकी बड़ी वाली बॉटल है, आप चाहो तो छोटी बॉटल भी यूज़ कर सकते हो। छोटी वाली बॉटल आपको 5-10 रुपये में इजीली मिल जाती है। इसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे जो हमने हाफ ड्राई किए थे। ये देखिए सारे आलू इसमें डाल लेने हैं। सारे आलू डाल लीजिए इसमें। उसके बाद हम आलूओं को अरारोट और कलर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि आपको कलर बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि थोड़ा सा कलर ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाफ ड्राई करने से अरारोट जो है वो आलू में अच्छे से नहीं चिपकेगा। जितनी क्वांटिटी होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही चिपकेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए आलू में अरारोट और कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने तेल को पहले से ही मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके आलू डालेंगे। ध्यान रखना है कि आपको आलू को एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो आलू कढ़ाई में जाकर एक साथ चिपक जाएगा। आपको आलूओं को एक एक करके कढ़ाई में डालना है। आप देख रहे हैं कि कढ़ाई में तेल के ऊपर झाग आ गया है। तो ये झाग इसलिए आया है क्योंकि अभी आलू कच्चा है। जब आलू हाफ फ्राई हो जाएगा और पूरा पक जाएगा तो ये झाग अपने आप चला जाएगा। सारे आलू हमने एक एक करके डाल लेना है इस तरह से। देखिए अब हमें इनको फ्राई करेंगे। जैसे जैसे पकना स्टार्ट होंगे वैसे वैसे इनका झाग चला जाएगा। देखिए इनका झाग कम हो गया है। शुरू में आपने देखा होगा कि बहुत झाग था, अब जैसे जैसे पकना शुरू हो गए हैं इनका झाग चला गया है। देखिए हमारा आलू पक चुका है और इसका झाग भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमारे फिंगर फ्राई हो चुके हैं। देखिए है ना, बिल्कुल मार्केट वाले फ्रेंच फ्राई की तरह।
फ्रेंच फ्राई रखने के लिए मैंने एक जाली का यूज़ किया है, जिससे जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाएगा। आप भी जाली या कुछ टिश्यू वगैरह कुछ ले सकते हैं जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये देखिए, हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए, अब देख सकते हैं हमने इसमें कितना कलर डाला था और इसमें कितना इसका कलर आपको दिख रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना कलर हमें डालना है, ज़्यादा डालना है कम डालना है। अब हम इनको सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल लीजिए, जिससे ये और टेस्टी लगे। और एक बार इनको रीफ्राई ज़रूर कीजिए ताकि और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए और गर्म होकर अच्छे लगेंगे और भी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने फ्रेंच फ्राई बनाना कितना आसान है, आप घर पे कितने आसान तरीके से बना सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी वे बताया है घर में फ्रेंच फ्राई बनाने का। घर पे आप अगर फ्रेंच फ्राई बनाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। और घर पे जब आप फ्रेंच फ्राई बनाओगे तो उसमें आपको हाइजीन की भी चिंता नहीं है कि पता नहीं हाइजीन है या नहीं है, ठीक है। आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।